विटामिन सी फाइबर एंटीऑक्सीडेंट एवं विटामिन ई रही सेओरे आम शरीर पर सेओ बहुत भल होता है। ए फाइबर एवं पानीर मात्रा अधिक थाए जहाँफल आपण गोटे सेओ खाइले आपण को पेट भर्ती लगे आपण निजर बढ़ुवा ओजन को नियंत्रण करें। प्रचुर मात्रा रे एंटीऑक्सीडेंट तत्व रही सॉल्युबल फाइबर अच्छी सेओरे से हार्ट रोगी सेओ खाइबा बहुत भल सेओ टाइप 2 डायबिटीज रोगी भी भल होता है। पॉलीफिनोल भली तत्व अच्छी सेओरे तेणु ताहा डायबिटीज रोगी भल आउ मन रखिथिबे सबुबेले सेओर चोपा थाई खाइबे। फाइबर रो मात्रा अधिक अच्छे सेओरे तेणु जो मानकर कॉन्स्टिपेशन भली समस्या थाए से भल प्रतिदिन सेओ खाइबा द्वारा से गट हेल्थ भी भल रही थाए। एंटीऑक्सीडेंट एवं फाइबर भली मिनरल्स अच्छी एथिरे कैंसर भली मारात्मक रोगर जीवाणु ठू आम दूरे रही पारिबा जदि आम प्रतिदिन सेओ खाइबा। आस्थमा मेंटल हेल्थ ब्रेन हेल्थ एवं डाइजेस्टिव सिस्टम पाई भी भल होता है। सेओ आपण सबुबले सेओ को खाइबे केबे भी जूस करी पीबे नहीं कारण डायरेक्ट खाइबा द्वारा शरीर को जो बेनिफिट्स मिलता है ताहा जूस आकार रे पीले मिली न थाए। बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एवं स्ट्रेंथ बढ़ी थाए योग करिबा द्वारा यह सहित आपण को भल निद होता है आपणकर स्ट्रेस भी कम हुए। आज जानिबा रिमाटेड आर्थराइटिस पाई आपण जीवन रे समस्ते ए रोग रे केबे ना केबे पीड़ित होइतिबे किंबा लंबा समय पर्यंत भी पीड़ित होइतिबे विभिन्न जॉइंट पेन हबा फुली जीबा एवं एभली बिंधा छिटका हबो जेमती आपणकर असह्य यंत्रणा एवं केतेबेले आंठू केतेबेले आपणकर रिस्ट केतेबेले कोहुणी केतेबेले कांधो एवं धीरे धीरे आपणकर मात्रा एते मात्रा रे बढ़ी जाए जे आपण ना चली पारे ना बुली पारे ना हली पारे। गोटे गोटे कोला रसुण प्रत्येक दिन खातु ये प्रथम उपचार। द्वितीय उपचार हूँ उषुम पानी रो प्रयोग दिन जाक करूँ। तृतीय उपचार हूँ आपण घी कुआरी रो रस 20-20 ml उषुम पानी रे सकाळ संध्यार दुई थर नियंतु। हलदी मेथी सुंठी 100-100 ग्राम 50 ग्राम अश्वगंधार चूर्ण याकु मिसई रखि दियंतु 5-5 ग्राम सकाळे संध्यारे खाइबार अध घंटा परे आपण नियंतु उषुम पानी रो सह एतिके जदि घरोई उपचार करूचंती एवं साधारण साधारण भाबरे जदि जिंजर ऑयल मिलुची ताहले ताकु भी आपण हल्का मसाज करिवारे मालिश करिवारे प्रयोग करि पारंती। जिंजर ऑयल बेस्ट ऑयल मालिश पई। लाइट एक्सरसाइज रे आपण देखंतु एइबळी आंगुठी गुडीकु संकुचित प्रसारित एमति देखंतु आंगुठी गुडीकु एइबळी संकुचित प्रसारित तळकु उपरकु लाइट एक्सरसाइजेस आर्थराइटिस रो समस्या पई आंगुठी रो जॉइंट गुडीको आ रिस्ट पई पुणी कोहुणी पई कांधो पई ए लाइट एक्सरसाइज गुडीको बहुत सुंदर भाबरे सहयोग करंती। ए देखंतु एबे ए पटुकु ए देखंतु एइबळी भाबरे ए छोटो छोटो अभ्यास ए अभ्यास गुडीको आमकु जॉइंट पेन रु एवं रिमेटेड आर्थराइटिस रो समस्या रु मुक्ति प्रदान करंती। तापरे मुठा बंद कर देबे एइभली भाबरे गोल बुलेबे एमती 5-5 थर 10-10 थर आपण आराम रे करि पारंती एमती। ए तो प्रतीकात्मक भाबरे आमे एठी देखौ छु अधिक समय जदि अछि आपण अधिक रिपीटेशन भी करि परिबे। एबे कांधो को एमती कांधो उपरे हात एवं गोल बुलात केते छोटो छोटो एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम एवं यार दूर गामी परिणाम आम पाई यही भाव ये है हाथ पाई। ठीक से भाई गोड़ पाई आपण गोड़ यही भाव सीधा रखत हाथ दुईटी सीधा रहा यही भाव आपण गोड़ को बाड़े एमती गोड़ को बाड़े ये देखु गोड़ को बुलेले गोड़ को बुलाऊँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आंगुठी गुड़ को टे मन पकेबे पादर आंगुठी एमती आउ यही भाव में बाड़े टे यही भाव आपण गोड़ दुईटी को भी टे बाड़ेपर ये छोटो छोटो प्रक्रिया आपण भावुवे मोर तो सारा शरीर अष्टांग शरीर दरज होटुची पेन होमती करी
निज सामर्थ्य अनुसार करेंगे एवं ये चैनल गुड़िक खोल जदि ताकू आप सका सका ये सूक्ष्म व्यायाम सहयोग देवे ताहले आपण देखिबे धीरे धीरे जोठी जोठी लॉक हो जाऊला जोठी जोठी कठिनता कठोरता आसूला रिजिडिटी आसूला से गुड़िक आपणकर धीरे धीरे समाधान ये हूँ तितली आसन प्रजापति आसन ये आसन श्रेष्ठ आसन याकु आपण 50-100 थर पर्यंत एभली करिपारंती ये छोट छोट लाइट एक्सरसाइज गुड़िक आपण को रूमेटेड आर्थराइटिस समस्या सबुदिन मुक्ति दे।